वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत सूबाई काबीना का इजलास, वज़रा की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को हुकूमती इकदामात पर ब्रीफिंग दी जा रही है। तफ़सीलात जानेंगे आक़िब तनवीर से, आक़िब तनवीर से भी तफ़सीलात जानेंगे। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत सूबाई काबीना का इजलास जारी है और ब्रीफिंग भी दी जा रही है। आक़िब आगाह कीजिएगा, ब्रीफिंग दी जा रही है वज़ीर-ए-आज़म को। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत जो पंजाब काबीना का इजलास था वो जारी है, और जिसमें जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है उनको ब्रीफिंग भी दी जा रही है। तो इस हवाले से जो मिनिस्टर्स हैं, सूबाई वज़रा जो हैं, वो इस इजलास में शिरकत उन्होंने की है, जिसमें हायर एजुकेशन और फिनांस के मिनिस्टर वज़ीर कानून सुफियान खान और वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद, सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान भी यहाँ पे पहुंचे हैं, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर और जो ज़राअत मिनिस्टर हैं वो भी यहाँ पे उन्होंने शिरकत की, और अपने अपने महकमों के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अपनी कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग दे रहे हैं, जिसमें जो 100 रोज़ा प्लान के अंदर मुख्तलिफ महकमों को जो टास्क सौंपा गया था उसके ऊपर हर एक जो महकमे का वजीर है वो अपने अपने महकमे के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दे रहा है। इस इजलास में वफाकी वजीर फवाद चौधरी भी मौजूद हैं इसके साथ साथ, और वजीर अला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी इस पंजाब काबीना के इजलास में मौजूद हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। आके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास जारी है और सूबाई काबीना की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को मुख्तलिफ मनसूबाजात पर ब्रीफिंग भी दी जा रही है।